नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चाहे उन्हें कोई जंगली कहे या फिर उन्हें कोई उछल कूद करने वाला एक्टर, शमी का स्टाइल हिंदी सिनेमा में यादगार है। शमी कपूर बॉलीवुड के बेहद हिट एक्टर रह चुके हैं। शमशेर राज कपूर उर्फ शमी कपूर जो फिल्मों में अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, फिल्मों में उनका एक अलग ही स्टाइल हुआ करता था। आइए जानते हैं शमी कपूर की कुछ अनसुनी कहानियाँ। शमी कपूर भारतीय सिनेमा के ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं के डांस करने के चलन की शुरुआत की। इस मनमौजी और बॉलीवुड के पहले सुपर कूल डूड एक्टर शमी कपूर आज भी अपनी फिल्मों के लिए याद किए जाते हैं। शमी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि देश में भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले कुछ शुरुआती लोगों में से थे। पृथ्वीराज कपूर के घर 21 अक्टूबर 1931 को जन्मे शमी कपूर पृथ्वीराज के चार बच्चों में से एक थे। उनकी माँ का नाम राम शरणी कपूर था। शमी कपूर के बचपन का नाम शमशेर राज कपूर था। राज कपूर और शशि कपूर उनके दोनों भाई भी वेटरन एक्टर रहे हैं। शमी कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता थे। घर में फिल्मी माहौल पहले से ही था। शमी ने फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड में कदम रखा। उनका अंदाज तब के तमाम अभिनेताओं से बिल्कुल अलग था। हंसमुख, जिंदा दिल और मस्ती से भरे शमी कपूर हमेशा ही लोकप्रिय रहे। आज की पीढ़ी इन्हें सुपर कूल कहती है। शमी कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और माँ रामशरणी इस बात से बहुत आहत थे कि राज कपूर के बाद हुए उनके दो भाई बहन एक हफ्ते के अंदर ही चल बसे थे और उस समय शमी गर्भ में थे। ऐसे में उन्हें डर सता रहा था। आपको बता दें कि वो अपने परिवार के अकेले ऐसे बच्चे थे जिनकी डिलीवरी अस्पताल में हुई थी। वहीं उनके पैदा होने के बाद उन्हें राजकुमारों की तरह पाला गया। शमी को भाई राज कपूर की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था। दरअसल ये बात थी, पृथ्वी थिएटर्स में शमी को शकुंतला नाटक में भरत का रोल मिला था। इस नाटक में राज कपूर का भी बड़ा रोल था, लेकिन रिहर्सल के लिए राज को स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही थी तो वो अपनी प्रिंसिपल से लड़कर स्कूल छोड़कर आ गए थे। लेकिन उसी स्कूल में शमी भी पढ़ा करते थे, ऐसे में उन्हें भी स्कूल छोड़ना पड़ा। शमी की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो कॉलेज छोड़कर घर आ गए थे। शमी ने घर आकर पापा पृथ्वी को सॉरी कहा। वहीं पृथ्वी ने शमी का मन रखते हुए कहा, कोई बात नहीं पुत्र, कल से थिएटर ज्वाइन कर लो। आपको बता दें कि थिएटर में काम करने के लिए उन्हें 50 रुपए पगार मिलती थी। शमी ने एक मजदूर की तरह पापा के थिएटर में काम किया और उनके पिता ने भी उन्हें कभी स्टार किड वाली लॉन्चिंग नहीं दी, क्योंकि शमी का फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ था और इसी दौरान उन्हें महीने के केवल 150 रुपए मिला करते थे। शमी की कई लड़कियां फ्रेंड्स थीं और इस बारे में उनके घर वाले भी अच्छी तरह से जानते थे। एक वक्त था जब उन्होंने विदेश की एक बैले डांसर को डेट किया करते थे, लेकिन थोड़े समय बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक्ट्रेस नूतन उनकी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थी। दोनों ने फिल्म लैला मजनू जो कि 1953 में आई थी एक साथ काम किया था। शमी 6 और नूतन 3 साल की थी, तब से ये दोनों दोस्त हैं। शमी को हिंदी गानों के मुकाबले पहाड़ी गाने ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो खाली समय में पहाड़ी गाने ही गुनगुनाया करते थे। आपको बताते हैं फिल्म राजकुमार की शूटिंग का एक मजेदार किस्सा। फिल्म राजकुमार की शूटिंग के दौरान हाथी ने उनका पैर तोड़ दिया था। दरअसल वो हाथी के ऊपर बैठकर शूट कर रहे थे, ऐसे में अचानक ऐसा हादसा हुआ और उनको चोट पहुंची। साल 1955 में उन्होंने गीता बाली से शादी कर ली। गीता भी एक एक्ट्रेस थी और दोनों की मुलाकात फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर हुई थी। इस दौरान दोनों में प्यार परवान चढ़ा। इसके बाद शमी रोज उनसे पूछा करते थे कि तुम उससे शादी करोगी। इस पर गीता हर बार ना कहती थी, लेकिन हाँ एक बार उन्होंने हाँ कह दिया। इसके बाद गीता ने कहा, चलो शादी करते हैं अभी। इसके बाद दोनों मंदिर गए और शादी कर ली। लेकिन मजेदार बात यह है कि गीता की मांग भरने के लिए शमी के पास सिंदूर नहीं था उस वक्त, तो ऐसे में गीता ने अपने बैग से एक लिपस्टिक निकाल कर दी, फिर शमी ने उनकी मांग भरी। शमी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, यंग ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा था और मैं उनको हीरो दिखने लगा था। शमी कपूर के फिल्मों ने कमाल का बिजनेस किया, उनका एक ऑडियंस बेस बन गया। जानवर, जंगली, प्रोफेसर, दिल देके देखो जैसी फिल्मों के साथ वो आज भी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों के हिट हीरो हैं। तो ये है शमी कपूर की अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।